हेलो नमस्कार साथियों, मैं हरबीर सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सारी चीज़ें जेन्युइन मिलेंगी। और अगर आप टीचिंग लाइन से हैं तो ये चैनल आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट खबर बताने वाला हूँ, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा। जी हाँ साथियों, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो MCD PRT पर जो स्टे था, IR था, उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो IR को लेके एक बड़ी खबर आ रही है साथियों, जो IR था MCD PRT पर जो स्टे था वो हट चुका है। जी हाँ साथियों, बिल्कुल सही सुना आपने, जो MCD PRT पर IR था, स्टे था, वो बिल्कुल हट चुका है अभी। और इसके बाद बताना चाहता हूँ, ये सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छी खबर है और एक बैड न्यूज़ उन कैंडिडेट्स के लिए जो नॉन सिलेक्टेड थे और डिजर्विंग थे। मैं उनके लिए बुरी खबर नहीं बताऊँगा जो कंपटीशन से काफ़ी दूर थे, उनके लिए बिल्कुल नहीं है। जो कैंडिडेट्स सिलेक्ट नहीं हुए और डिजर्विंग थे, कुछ ऐसे कैंडिडेट्स जिन्हें नॉर्मलाइजेशन की वजह से बहुत सदमा लगा है, उनके लिए बुरी खबर है। लेकिन साथियों, अभी मैं उन साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि न्यू वैकेंसीज हैं, आप उनके प्रिपरेशन करें, अच्छे से तैयारी करें। कुछ चीज़ें लक पर भी डिपेंड होती हैं, सारी चीज़ें हार्डवर्किंग नहीं, काफ़ी चीज़ें लक पर डिपेंड करती हैं। तो आपका बैड लक था, आप दोबारा प्रिपरेशन करें और अच्छा आप कर सकते हैं। और इसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको दिल से बधाइयाँ देना चाहता हूँ, और जल्द से जल्द आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, क्योंकि अब जो एक अटकलें लगी हुई थी, अटकलें अब हट चुकी हैं और जल्द ही ज्वाइनिंग आपको मिलने वाली है। तो साथियों, ये अभी अपडेट है आप लोगों के लिए और उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपको समझ आई होंगी। और जो भी अब ये काफ़ी टाइम से विवाद चलता आ रहा था, तो अब एक राहत भरी सांस जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं ले सकते हैं। तो साथियों, गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।